2.5 साल लगे हैं 7 गाने को बनाने में, ये दिखता है कि कितना डेडिकेशन था उस गानों के लिए। 3 म्यूज़िक कंपोज़र हैं इसमें, क्योंकि जो मुझे चाहिए परफेक्टनेस जो चाहिए था मुझे, वो एक से नहीं मिला, तो मैंने 1 से 3 गाने करवाए, फिर 2 से 2 गाने करवाए, 3 से 2 गाने करवाए, इस तरह से मेरे गाने कंप्लीट हुए हैं। इसमें जितने सारे सिंगर्स हैं आपको बॉलीवुड के सारे नॉन सिंगर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मिक्का, ममता शर्मा, नीति मोहन, नकास अजीज, जावेद अली, मनोज तिवारी, ऐश्वर्य निगम और 2-3 सिंगर ने, मतलब टॉप 10 सिंगर ने गाने गाए। इस फिल्म के आपने कलाकारों का चयन किस प्रकार किया? सर ये भी स्ट्रगल था मेरे लिए कि मैं 2 साल से इसके आर्टिस्ट को मैं ढूंढ रहा था, जब से मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तब से मैं आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप हुआ मैं आर्टिस्ट ढूंढता रहा, और मैं ये 4-6 महीना पहले मैंने आर्टिस्ट सेलेक्ट कर लिया था। आपके आज का जो यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं आपके सारे कलाकार लगभग एक जैसे पोशाक में, आप जैसा बता रहे हैं कि फिल्म बैंकर्स की लाइन पर आधारित है, क्या आपके फिल्म का सारे रंग ऐसे ही नीले और काले सफेद रहेंगे? नहीं सर, बैंकिंग एक फ्लेवर है इस मूवी के अंदर, तो 40% शूट जो है वो बैंकिंग के अंदर है, जहाँ भी आपको इस ड्रेस में दिखेंगे, उसके बाद सारे रंग हैं इसमें। कब तक कंप्लीट करने का विचार है? ये सर मूवी तो रिलीज होने का चांस है नेक्स्ट ईयर जैन में, अभी हमारा आउटडोर शूट है बचा हुआ, ये 20-25 दिन का शेड्यूल है, फिर आउटडोर मेरा 25 दिन का शेड्यूल है, जो 2 महीने के बाद बारिश के बाद हम लोग आउटडोर करेंगे। थैंक यू सर। सर गोरे सर आगे दादा, उस टाइम मैंने 65 जो बैंकर्स हैं, जो मोर देन 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बैंकर हैं, मैंने उन सबका इंटरव्यू लिया। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस तो 5 साल का था, बट मैंने 65 ऐसे बैंकर्स का इंटरव्यू लिया, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी, और उन सब का एक्सपीरियंस जो 20 साल का रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से हो, हमने इस मूवी में वो दिखाने की कोशिश की। आप इसके बारे इनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मुकेश जी से बजाय, ये मिस्टर सुभाष गोरे मेरे पुराने मित्र हैं, काफ़ी हमने साथ में बिजनेस किया, हम लोग मेरे बिजनेस पार्टनर थे, और जब उनकी मुलाकात मिस्टर मुकेश मिश्रा से हुई, तब उन्होंने उनके बारे में जो उनके उनकी जिस चीज़ों में जो अंदर क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, और कहा कि ये आदमी के साथ कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, तो उन्होंने फिर उसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि एज ए प्रोड्यूसर आप ज्वाइन हो सकते हैं क्या, फिर उन्होंने सारी ड्रीम जॉब की जो टोटल जो मूवी बनी है, जितनी ड्रीम जॉब की जो भी रियलिटी प्रोडक्शन ये कंपनी बनी हुई है, इसके मतलब जो माइलस्टोन क्या उससे बैकबोन बोलो, मतलब मेन पर्सन है जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, पिलर ऑफ दी, आज हम लोग हम सब यहाँ पे हैं इनकी वजह से, ये तो बेसिकली फाउंडेशन है। तीनों से एक सामूहिक सवाल कि आजकल फिल्मों का बजट करोड़ों में जा चुका है, आप अपनी फिल्म के बजट पर कुछ सोशल डालना चाहेंगे कि क्या? सर बजट तो हम नहीं डिक्लेयर करना चाहेंगे, लेकिन हमारी मूवी भी करोड़ों में ही है। मूवी भी करोड़ों में है और करोड़ों की मूवी है एक्चुअली। दिस ड्रीम जॉब, यस, आपने लिखा कि पॉइंटमेंट स्टोरी अबाउट द पर्सनल एक्शन, बट द टाइटल ड्रीम जॉब, डज इट नॉट मिसलीड द पीपल दैट ए बैंकिंग स्कैम के बारे में होगा? डज इट कवर एनी ऑफ द स्कैम्स और व्हाटएवर द फिल्म और नहीं सर, पर्सनल लाइफ में नहीं है, चीज़ें इसमें जो हमने ली है ना पर्सनल है, प्लस जो मेन मेरा कैरेक्टर है जो लीड रोल कर रहा है बंदा, तो एक ड्रीम है, वो ड्रीम